नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सिजल आपके साथ। और अभी हम मौजूद है कल्याणी की उसी खूनी ज़मीन पर जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि छः छः लोगों की हत्या को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले तो 23 सितंबर 2018 में प्रथम महापौर समीर कुमार और उनके चालक की हत्या कर दी गई थी इसी ज़मीन के कारण से। उसके बाद हाल ही में आशुतोष शाही हत्याकांड, जिसमें आशुतोष शाही समेत तीन उनके बॉडीगार्ड को हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से सीआईडी की जांच चल रही थी उस हत्याकांड पर। कल सीआईडी ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर मंटू शर्मा, गोविंद शर्मा, विक्कू शुक्ला और पूर्व वार्ड पार्षद शेरू अहमद पर साजिश रचकर आशुतोष शाही की हत्या करने का अंजाम देने का पुष्टि की है। चार्जशीट में विजेंद्र सिंह के बेला वाले प्लॉट पर रंगदारी मांगने के मामले से शुरू हुई दुश्मनी से लेकर कल्याणी मछली मंडी वाली जमीन की रजिस्ट्री कराने और इससे मंटू शर्मा गिरोह की अदावत का विस्तार से जिक्र किया गया है। इससे ही हत्या की मूल वजह बताई गई है। सीआईडी ने इस हत्याकांड में दो नामजद समेत आठ अन्य संदिग्धों पर जांच जारी रखने की बात की पुष्टि की है। चार्जशीट में मानवीय वैज्ञानिक मोबाइल सर्विलांस व आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई की गई है। चार्जशीट दाखिल करने में कल रात 10 बजे तक सीआईडी की बात चलती रही कोर्ट में। इस प्रक्रिया में सरकार कर्मियों समेत डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों का बयान लिया गया है। अब इस केस का रुख किस तरफ लेता है यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। कुछ लोगों की बेल भी खारिज कर दिए गए हैं इस केस में अब तक, और भी इस खूनी ज़मीन पर अभी तक 6 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। आगे कितने लोग इस ज़मीन के वजह से मौत के घाट उतरते हैं ये देखना दिलचस्प भी होगा और थोड़ा डर वाला भी बात है, क्योंकि बेन कल्याणी की ये ज़मीन है और अभी तक 6 लोग इसके कारण मौत के घाट उतर चुके हैं। और कितने लोगों को ये मौत के घाट उतारता है ये ज़मीन, इसके लिए देखते रहना होगा कि इस ज़मीन को आखिरकार कौन रजिस्टर करवा पाता है आखिरकार। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और ख़बरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।